जली। इतनी सारी सब्जियां देख के मेरे इर्द-गिर्द आप लोगों को लग रहा होगा कि मैं आज सब्जी खरीदने आई हूँ, लेकिन टमाटर प्याज और आलू मुझे नहीं खरीदने। आज मैं आई हूँ शेर सिंह की बारादरी, तो आए देखते हैं कि वो अंदर से कैसी है। यहाँ पे कोरोना बिल्कुल भी नहीं है, किसी ने भी मास्क नहीं पहना हुआ। ये रही शेर सिंह की बारादरी, जो के थे महाराजा रणजीत सिंह के बेटे। ही वॉज बोर्न इन 1807 इन गुजरांवाला, और उनको हंटिंग का बहुत ज़्यादा शौक था। और एक बड़ी मज़े की बात है कि लिखा हुआ था कि उनको ना, वो जब बड़े हुए तो ही वॉज़ वेरी हैंडसम, और उनको फैशन का बहुत ज़्यादा शौक था। और ये भी लिखा हुआ है कि ही यूज़ टू वेयर अ लॉट ऑफ लैविश ज्वेलरी। तो वो कैसे लगते होंगे मैं तो यही इमेजिन करी थी। शेर सिंह वॉज अपॉइंटेड एज द गवर्नर ऑफ कश्मीर, वो कश्मीर के गवर्नर भी रहे थे, और उन्होंने अपने टाइम में बहुत ज़्यादा कैंपेन्स में पार्टिसिपेट किया था टू एक्सटेंड हिज किंगडम। वो चाहते थे उनकी सल्तनत फैल जाए। और ही वॉज ऑल्सो द कमांडर ऑफ द आर्मी दैट कैप्चर्ड पेशावर फ्राम अफगान। महाराजा खड़क सिंह और नौनिहाल सिंह की जब डेथ हो गई थी, उसके बाद शेर सिंह 1840 में बन गए थे पंजाब के रूलर। लोगों को शुरू में पसंद नहीं आया, उनको अच्छा नहीं लगा था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने शेर सिंह को एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया था एज देयर रूलर। शेर सिंह का एक यू नो एक समर हाउस टाइप था ये, और उनको बहुत अच्छा लगता था यहाँ पे टाइम गुजारना, और वो जो समर वेकेशन है ना, वो यहाँ पे आके गुजारा करते थे। हाउ स्वीट। अब चलते हैं अंदर, और अभी देखती हूँ कि अंदर से बारादरी कैसी है। अरे वाह, ये बहुत अच्छी सी है। और जो इसका डेकोरेशन है ना, वो जो सारा काम है वो बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा रह गया, बाकी तो बहुत ही ज़्यादा डैमेज रह गई। हुई जाला है मुझे, मैं जाने लगी थी। बड़ी सी है ये, रॉयल रॉयल सा लग रहा है मुझे। यहाँ पे क्या है, ये जो बारादरी है, इसको 1992 में जब बाबरी मस्जिद का वाकया हुआ था, तो काफ़ी ज़्यादा इसको नुकसान पहुँचा था, बहुत ज़्यादा डैमेज इसलिए भी है। लेकिन अभी रिसेंटली पंजाब गवर्नमेंट ने इसको काफ़ी ज़्यादा बेहतर कर लिया है। बड़े बड़े से दरवाज़े हैं, 12 दरवाज़े हैं, गिन भी लिए मैंने। कितना अच्छा सा होता होगा वो वक्त, और क्या ही ज़िंदगी होती होगी शेर सिंह की। इधर भी है कुछ, कौन सोच सकता है कि यहाँ पे दरिया बहता था, जहाँ पे अब सिर्फ लोगों का दरिया है। वाह भाई, यहाँ पे लोग ही लोग हैं। पता है यहाँ पे ढेर सारी सब्जियाँ हैं, मैं घर लेके जा सकती हूँ। चल जा, मैं प्याज है, टमाटर है, गोभी है। अगर आपने सब्जी खरीदनी है तो आप यहाँ पे जुमेरात को आ सकते हैं, बहुत बड़ा सा बाजार होता है यहाँ पे। ओह, और अब आना बहुत सबसे ज़्यादा एक्साइटिंग चीज़ है कि ये है कुआं, असली कुआं, जो कि अपनी असली हालत में है, मतलब रखा है उन्होंने कुआं, और काफ़ी गहरा है ये। इमेजिन करें, यहाँ पे शेर सिंह बैठता होगा, दरिया बहता होगा, पास ही कुआं है, नाश्ता करता होगा, क्या ही जिंदगी होती होगी। अब वापस जा रही हूँ मैं उधर, यहाँ पे बहुत ज़्यादा बिल्लियाँ और बहुत ज़्यादा छिपकलियाँ हैं, तो मुझे डर लग रहा है। हाँ भाई, मैं बर्गर हूँ। शेर सिंह जब महाराजा बन गए थे, तो ही मैरिड अ डॉटर ऑफ राजा सुकेत। वो कहा जाता है कि वो अपने ज़माने की बहुत हसीन खातून थी, और उनको पैलेस में महारानी डुकनो के नाम से जाना जाता था। आई होप कि मैं नाम सही प्रोनाउंस करी हूँ, अगर नहीं करी तो मुझे बता दें। अब
अगर इसकी वॉल को देखें ना तो ये बहुत प्यारी प्यारी सी पेंटिंग्स बनी हुई हैं, फूल बने हुए हैं, बर्ड्स बने हुए हैं, और ये बहुत फ्रेश है क्योंकि रिसेंटली अभी इस पर काम हुआ है। ये बहुत ग्रैंड स्ट्रक्चर है, बहुत बड़ा सा है। जो बारादरी है ये गार्डन का पार्ट होता था, जैसे हमें पता है कि बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स जो हैं उनके इर्द गिर्द भी बाग होते थे। इन केस यू डोंट नो, लाहौर वाज नोन एज द सिटी ऑफ गार्डन्स, लेकिन अब गार्डन्स तो बहुत कम हो गए हैं अनफॉर्चुनेटली। और अभी उस तरफ है समाध, तो अब वो जाके देखते हैं। अभी मेरे लेफ्ट साइड पे आप एक मज़ार देख सकते हैं, ये मज़ार है सैयद शाह बिलावल का। यही वजह है कि इस बारादरी को शाह बिलावल की बारादरी भी कहा जाता है। शेर सिंह ज़्यादा देर तक महाराजा रहे नहीं थे, 2 से 2.5 साल के बाद ही एंड हिज सन वाज ब्रूटली मर्डर्ड, एंड अपेरेंटली उनका जो खून है वो इसी बारादरी में हुआ था। ओ माई गॉड। महाराजा शेर सिंह की डेथ के बाद उनकी समाधि उनकी बारादरी के पास ही बना दी गई थी, लेकिन इस स्ट्रक्चर को, इस बिल्डिंग को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया गया था 1992 में जब बाबरी मस्जिद का वाकया हुआ था। अब इसके ऊपर एक डोम होता था जो अब नहीं है, और इसको आग भी लगा दी गई थी। इसके अंदर जाके देखते हैं कि अंदर क्या है। अभी यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ये एक खाली कमरा है, थोड़ा सा सामान पड़ा हुआ है क्योंकि यहाँ पे काम हो रहा है। और फिर से बाजार, यहाँ पे भी बाजार नजर आ रहा है। ये क्या है? एक फाउंटेन है। When the British took over, तो apparently उन लोगों ने इस जगह को एक रॉयल रेजिडेंस बना दिया था, जहाँ पे सिर्फ VIPs और डिग्निटरीज आके रहा करते थे। क्या दौर होता होगा वो। अभी हमारे शहर में बहुत कुछ है लेकिन हमें पता ही नहीं है, मुझे भी नहीं पता था। मैंने सुना यहाँ पे करीब एक और टूम भी है, लेकिन उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा एक और वीडियो का। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगा। मिल लूँगी आपसे अगले सीक्रेट पे, तब तक के लिए बाय बाय।